आज हम सभी सूक्ष्म व्यायाम के इस विराट अनुभव को जीवन में धारण करते हुए उसके लाभ का अनुभव प्राप्त करते हुए अब गर्दन के लिए स्पेशल प्रोग्राम रखते हैं। अब सांस को छोड़ती हुए आगे ले गए, सांस को भरते हुए धीरे धीरे गर्दन को पीछे लाया, फिर सांसों को छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन को आगे लाया। इसमें जबरदस्ती नहीं करना है, धीरे धीरे जितना आपसे हो सके उतना ही करेंगे। फिर सांस भरा, सांस को छोड़ते हुए गर्दन को दाहिनी तरफ, फिर सांस भरा, सांसों को छोड़ते हुए बाई तरफ। अब ये दो दो बार, तीन तीन बार दोनों तरफ से ऐसा कर सकते हैं आप। सांस भरा छोड़ते हुए गर्दन को दाहिनी तरफ से घुमा करके पीठ की तरफ देखने का अभ्यास, बहुत अच्छा। फिर सांस भरा छोड़ते हुए बाई तरफ से भी अभ्यास कर लीजिए, दोनों तरफ से दो दो बार। बहुत अच्छा अभ्यास चल रहा है। अब ये गोल गोल घुमाते हैं ऐसे गर्दन को, ये ब्रह्म मुद्रा का भाव, तुम्हें परमात्मा मेरे गर्दन में कभी किसी प्रकार की दर्द ना हो। मैं सर्वाइकल स्पोनिलाइटिस जैसे अति कष्टकारी बीमारी से कभी ग्रसित ना हो। फिर इसको उल्टा भी कर ले ऐसे, मन ही मन ओम भर्गवश्वा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ऐसे पांच सात बार कर लीजिए अभ्यास, बहुत अच्छा अभ्यास। अब आते हैं आंखों का करते हैं। अब आंख को ऊपर करते हैं सांस भरते हुए सीधे, गर्दन सीधा, आंख ऊपर, ये आंख का अभ्यास। आंख बहुत ही कोमल है, अभी नेत्रदान पखवाड़ा चल रहा है पूरे भारत सरकार के तत्वावधान में, पूरे हिंदुस्तान भर में। कारण कि लाखों करोड़ों में ऐसे भाई हैं जिनके आंख खत्म हो चुके हैं और उनको आंख की आवश्यकता है। तो यदि कोई दान करे, जैसे खून तो बन नहीं सकता है, तो जो रक्त दान करता है या नेत्र दान करता है, उससे बड़ा दान धरती से कोई नहीं है। मेरे अंग दूसरों के माध्यम से वो देख रहा है, जैसे मैं चला जाऊं और मेरे आंखों के द्वारा कोई अंधा देखे अपने जीवन भर, तो ये कितना आनंद का विषय है। तो नेत्रदान मरणोपरांत नेत्रदान होता है, यानी एक शपथ पत्र होता है, उसमें नेत्रदान का संकल्प लेते हैं। मैं भी नेत्रदान कर चुका हूँ 10-12 साल पहले, मैं पूरे परिवार के साथ कर चुका हूँ। तो उसमें एक संकल्प पत्र होता है जिसमें हस्ताक्षर कर लेते हैं और एक कार्ड मिल जाता है आपका। तो बाद में मरने के बाद यदि फोन करेंगे तो उसमें कुछ घंटे के अंतराल पे यदि आकर के आई बैंक वाले यदि निकाल करके ले जाते हैं तो दूसरों को काम आ सकता है। तो ऐसा हम लोग संकल्प भी लेंगे नेत्रदान का, कभी ऐसा फॉर्मेट आएगा तो मैं आप सबको मैं दे दूंगा। तो ये बहुत बड़ा अभियान है। तो आइए आंख को ऊपर, आंखों को नीचे, आंखों को ऊपर, आंखों को नीचे। फिर आंखों को खोल लीजिए, अंगूठा को खड़ा कर लीजिए, गर्दन सीधा। अब आंख को दाएं तरफ घुमाइए, गर्दन सीधा रहते हुए अंगूठा को देखिए। आप पीछे भी कर सकते हैं दोनों हाथों को ज्यादा तिरछा देखने के लिए। फिर बाएं तरफ गर्दन नहीं घुमाना है, गर्दन सीधा केवल आंख के अंदर के भाग से अंगूठा को देखिए। आपको मैं हल्का खिंचाव सा महसूस होगा। तो ये जीवन भर बचपन से यदि कोई करे तो मोतिया बिंदना हो, आंखों की रोशनी, जिनको चश्मा चढ़ा है चश्मा उतर जाता है, और जिनका नस सूखने लगता है आंखों का, वो सब जागृत होने लगते हैं। हाथों को घुटने पर रखते हैं, अब आंखों को गोल गोल घुमाएंगे क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज ऐसे। अब आंखों को थोड़ा सा ऐसे मसाज करिए हल्का।
अभी हम लोगों ने सूक्ष्म व्यायाम का आनंद लिया, लगभग पूरा सूक्ष्म व्यायाम मैंने बताया, हुआ कि नहीं? ऐसा यदि 10 मिनट कर ले तो कोई बीमार होगी, बताइए। शरीर हल्का लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अब लग रहा है कितना जोश हो गया। यानी बैटरी जब इसमें यूज करते हैं तो डिस्चार्ज होता है पहले। अब उसको चार्ज नहीं करेंगे तो कितना देर का आनंद लेंगे? देखने से तो बैटरी है, सब कुछ उसमें रहेगा।